फ्रेंड्स, आज हम बेबी फूड वीडियोस की श्रृंखला में लेकर आए हैं रेडी टू ईट होममेड सीरियल्स। ये सीरियल आप अपने घर में मौजूद सामान से बड़ी आसानी से बना सकते हैं और ये सीरियल कैरी करना भी बहुत आसान है। कहीं भी ले जा सकते हैं अपने साथ और गर्म पानी में मिक्स करके अपने बेबी को खिला सकते हैं। तो मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बेबी फूड बनाना। एक पैन चढ़ा दिया है, आंच धीमी रखेंगे और डालेंगे एक कप इंस्टेंट रोल्ड ओट्स। तो इसको भून कर हल्का सा क्रिस्प कर लेंगे। ओट्स में देखिए हल्का कलर आ गया है, हम यहीं पर ऐड कर देंगे 1/4 कप भुना हुआ चना। यहाँ पर हमने बिना छिलके वाला चना लिया है। देखिए ये तैयार हो गया है, इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। एक कप पोहा, पोहा देखिए क्रिस्पी भी हो गया, हल्का कलर भी आ गया। अब यहाँ पर ऐड करेंगे 1/4 कप भुना हुआ चना। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं एक कप लहिया। लहिया चूंकि पहले ही भुनी हुई है लेकिन हल्का सा इसको भून लेंगे जिससे और क्रिस्पी हो जाए। लहिया ही भुन गई है, अब इसमें डाल देंगे 1/4 कप चने। लहिया चना ही भुन गया है, इसको भी निकाल लेंगे। एक कप मखाने लिए, इनको भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे धीमी आंच पर। मखाने भी रोस्ट होकर एकदम क्रिस्पी हो गए, इनको भी निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब रोस्ट करेंगे 1/4 कप ओट्स। ये मखाना की सीरियल को बॉडी तो देगा, साथ में न्यूट्रिएंट भी जोड़ेगा। ओट्स भी भुन गए, इनको भी निकाल लेंगे इसी में और सबको ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर हम कुछ नट्स का मिक्सचर बनाएंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है एक टेबलस्पून पिस्ता, 2 टेबलस्पून ये हैं वॉलनट्स और 3 टेबलस्पून काजू और 3 टेबलस्पून बादाम और ये 5 हैं ड्राई डेट्स यानी छुआरे। इनको हम काट करके इनका बीज निकाल के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और ये 6-7 इलायची। नट्स को बिल्कुल ही धीमी आंच पर ही रोस्ट करना है। नट्स भी अच्छी तरह भुन गए हैं, उनको निकाल कर ठंडा कर लेंगे। ओट्स और चने को ग्राइंड कर लेंगे। देखिए एकदम फाइन पाउडर हो गया है, अब इसको बोल में निकाल लेंगे। अब पोहा चना पीस लेंगे।
देखिए पोहा चना भी अच्छे से पीस गया है, इसको भी निकाल लेंगे। अब ये लाई चने वाला बनाएंगे सीरियल। लाई चने का भी बहुत ही फाइन पाउडर तैयार हो गया है, इसको भी निकाल लेंगे। अभी मखाना ओट्स भी पीस लेंगे। मखाना ओट्स भी अच्छी तरह से पाउडर हो गए हैं, इनको भी निकाल लेंगे। ड्राई डेट्स यानी छुआरे के हमने बीज निकाल दिए हैं, ये टुकड़े काट लिए हैं। सबसे पहले इसी को पीसेंगे और साथ ही डाल देंगे इलायची। यहाँ पर देखिए छुआरे हमने छोटे वाले जार में अलग से पीस लिए हैं, अच्छी तरीके से ग्राइंड हो गए हैं ये। अब इसी में हम ऐड कर देंगे ये हमारे भुने हुए नट्स। नट्स को बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है, दो तीन चक्कर ही लगाएंगे क्योंकि नहीं ज़्यादा चलाने पर ये अपना ऑयल रिलीज कर देते हैं। यहाँ पर देखिए नट्स भी पीस गए हैं, मुश्किल से एक राउंड पूरा नहीं चला और अच्छे से पीस गए ये, ज़्यादा नहीं पीसना होता है इनको। अब हम इसको छान लेंगे क्योंकि बेबी बहुत छोटा है, उसके मुँह में कोई भी कण नहीं आना चाहिए मोटा मेवे का या फिर छुआरे का। ये देखिए नट्स के जो मोटा पोर्शन बचा हुआ है इसको हम अलग रख लेंगे, चाहे आप दूध में डाल के ले सकते हैं या खीर वीर बना लें। बेबी के लिए हमारा नट्स का पाउडर तैयार हो गया। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारे चारों तरीके के रेडी टू ईट सीरियल तैयार हो गया है और ये साथ में नट्स पाउडर तैयार हो गया है। अब हम इसको दिखा देते हैं कैसे बनाना है बेबी को देने के लिए। ये चारों सीरियल इनका सेम प्रोसेस है। आप बेबी को देने के लिए एक टेबलस्पून लीजिए पाउडर और दो टेबलस्पून पानी, गर्म पानी लिया है हमने यहाँ पर। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। पहली बार में ऐसे ही बनाएं, जब बेबी थोड़ा ज़्यादा खाने लगेगा तब अपने हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं डाइट उसकी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, लम्प ना रह जाए, और ढाक देंगे 5 मिनट के लिए। ये चारों जो सीरियल मैंने बनाए हैं इनको आप 6 से लेकर 7 महीने तक आराम से इसी तरह से दें। जब बच्चा 7 महीने का हो जाए तब जो नट्स पाउडर मैंने बनाया है इसमें से 1/4 टीस्पून आप इसमें मिक्स करके दे सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए हमारे चारों रेडी टू ईट सीरियल और नट्स पाउडर तैयार हो गया है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आऊँगी बेबी फूड का एक नया एपिसोड लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।